मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में 280 करोड़ की 282 परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर महानगर के 280 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में सभी नागरिकों, महापौर, सांसद, विधायक और सभी 80 पार्षदों को बधाई देता हूँ और दीपावली की शुभकामना देता हूँ। दीपावली के ठीक पहले नगर निगम के अंतर्गत नए परिसीमन के तहत 80 वार्ड बनेंगे। इन सभी 80 वार्डों के लिए 228 परियोजनाएं लोकार्पण व शिलान्यास हुई हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा पावर परियोजना का शिलान्यास किया गया है। पार्षद निधि के द्वारा सभी वार्डों में कार्य किया जा रहा है। सभी वार्डों में 25-25 स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था, 100 मिनी नलकूप की व्यवस्था की जा रही है। महानगर में अतिवृष्टि के समय नगर निगम GDA जिला प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई। उस समय 3 दिन तक लगातार बारिश हुई, लेकिन कहीं पर भी जलजमाव नहीं होने पाया। आने वाले दिनों में गुरधुया नाले का कार्य भी संपन्न हो जाएगा, जिससे गोरखपुर महानगर में कहीं भी जलजमाव नहीं होने पाएगा। उन्होंने कहा कि जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तो विकास कार्य को भी अच्छे जगह पर लेकर जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। गोरखपुर वासियों ने गोरखपुर का कायाकल्प पिछले 5 वर्षों में होते हुए देखा है। इन 5 वर्षों में गोरखपुर में सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ, जल निकासी की उचित व्यवस्था हुई और कूड़ा प्रबंधन को बेहतर करने का प्रयास किया गया। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करके एम्स जैसे संस्थान गोरखपुर में खुले और बंद पड़ा खाद कारखाना प्रारंभ हो गया। रामगढ़ताल में कलाकारों के लिए शूटिंग करने के लिए एक बेहतरीन केंद्र भी स्थापित हुआ, जिसे रामगढ़ताल पर्यटन के दृष्टि से विकसित हो रहा है। गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी धर्मस्थलों को विकसित किया गया, जिसको सभी लोगों ने देखा है। इससे पहले हम लोगों को विकास परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ता था, लेकिन अब मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम के द्वारा अनेकों विकास के कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर पहले न बिजली थी, न सड़कें थी। जब बारिश होता था तो पूरा शहर डूब जाता था, लेकिन जब गुरधुया नाले का कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं पर भी पानी नहीं लगेगा। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, SP City कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वंदन एवं अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर स्वागत वंदन एवं अभिनंदन, हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन मंच पर उपस्थित माननीय महापौर महोदय, हार्दिक स्वागत माननीय विधायक कैंपियरगंज एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम अतिथि देवों के लिए हम माननीय महापौर महोदय से अनुरोध करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प कलिका भेंट करके कर्तव्य ध्वनि के साथ माननीय के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय सांसद महोदय का। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे नगर निगम जनता को विकास की बहुत बड़ी सौगात देने के लिए आए। मैं गोरखपुर की जनता के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को
शहर के सभी नागरिकों के तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही साथ इस मंच पर हमारे सांसद रवि किशन शुक्ला जी उपस्थित हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम ने बनाया है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ ही श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विपिन सिंह जी, जो इस क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के, शहर के, ग्रामीण विधान सभा के विधायक है, इन्होंने विकास के मानक स्थापित किया है, मैंने गोरखपुर की जनता की तरफ से इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 85 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, अभी एक पूज्य महाराज जी आशीर्वाद दिए, 5 भाषाओं वाली फिल्म एक आ रही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी में। 3 तारीख से पूरी यूनिट मलयालम से महाराज जी ने उनको बुला के आशीर्वाद दिया कि आओ विस्तार करो, रोजगार दो, यहाँ का कलाकारों को काम दो। महाराज जी बोले लाओ, मैं वहीं खड़ा था, और महाराज जी बोले लाओ उसको दूध पिलाते तेंदुए के बच्चे को। तो आप लोगों तस्वीर देखे होंगे, पूरे देश में वायरल हुई, महाराज जी शेर, शेर ही तो है, शेर ही तो शेर के बच्चे को दूध पिलाएगा, क्या शेर ही तो शेर के बच्चे को दूध पिलाएगा। जब हिंदू शेर होता है, जब आपकी रक्षा करता है, जब सनातनी विचारों को आवाज भी होगा, लेकिन कोई किसी को परेशान ना करे, जब एक ऐसी आवाज करें। श्री विंध्याचल जी का, जिन्होंने संचारी रोग में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान पत्र एवं दीपावली के लिए उपहार को प्राप्त करते हुए समाज के प्रमुख अंग श्रीमती रेखा जी, सफाई कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, सफाई कार्य में उत्कृष्ट योगदान श्रीमती, तालियां बजती रहे इन लोगों का उत्साह, जिन्हें माननीय डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए वाहन चार। इसी क्रम में श्री आशुतोष मिश्रा जी, अरे हम भी तो, इसी क्रम में पथ प्रकाश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्री के अपने आवास की चाबी को प्राप्त करें। पीएम स्वनिधि की लाभार्थी श्री नूरजहां जी, सन ऑफ स्वर्गीय सुभाष चंद्र जी, पीएम स्वनिधि के लाभार्थी, योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। कर्तव्य ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम 215.97 करोड़ एवं 228 करोड़ की योजना। भारत माता की, बंदे बंदे बंदे, गोरखपुर महानगर से जुड़ी हुई लगभग 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, लोकप्रिय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नगर निगम के माननीय पार्षदगण और उपस्थित भाइयों बहनों, 280 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं महापौर, अपने दोनों विधायकों को, सांसद जी को और सभी
80 पार्षदों को हृदय से बधाई देते हुए महानगर वासियों को इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सब के प्रति दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, दीपावली के ठीक पहले नए परिसीमन के अंतर्गत गोरखपुर महानगर में 80 वार्ड बनेंगे। इन सभी 80 वार्डों के लिए आज 228 परियोजनाएं यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास की जा रही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 52 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। पार्षद गणों के द्वारा इन सभी वार्डों में पार्षद की निधि से जो धनराशि अवमुक्त की जा रही है उन सब पर कार्य हो रहा है। प्रत्येक वार्ड के लिए 25-25 अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन के साथ साथ अलग से 100 मिनी नलकूप और एक बड़े गहरे नलकूप, इन सब को लेकर के 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। महानगर के अंदर अतिवृष्टि में आपने देखा होगा, जहां गड्ढा होगा उसको छोड़ दें तो शेष नगर निगम ने, विकास प्राधिकरण ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के एक व्यवस्था बनाई और परिणाम रहा कि अतिवृष्टि में जहां पर ऊंचे स्थान थे वहां भी जल प्लावन हो गया था, लेकिन गोरखपुर महानगर में इस अतिवृष्टि के कारण मैं देख रहा था 3 तारीख की रात्रि से बारिश जो शुरू हुई 4 तारीख तक लगातार 12 घंटे तक बारिश थी। मैं उस दिन गोरखपुर में था और मैं पूछ रहा था कि भाई सिटी के अंदर कहां कहां पानी लगा हुआ है। एक आध जगह में निकला भी था, लेकिन जल निकासी की और जल प्रबंधन की जो व्यवस्था गोरखपुर ने इस बार की, इसको और अच्छा बनाने की दृष्टि से ये सभी परियोजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण कारगर साबित होने जा रही है, जिसमें 280 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और 280 परियोजनाएं ही हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तो ये विकास के कार्य को भी ईमानदारी के साथ हर एक जगह लेकर के जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी के लिए कहा, सबका साथ और सबका विकास। गोरखपुर वासियों ने गोरखपुर का कायाकल्प पिछले 5 वर्षों के अंदर होते हुए देखा है। इन 5 वर्षों में सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य हुआ, जल निकासी की उचित व्यवस्था हुई, कूड़ा प्रबंधन को बेहतर करने का प्रयास हुआ, गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करके विश्व स्तरीय एम्स जैसे संस्थान गोरखपुर में खुले, गोरखपुर का बंद पड़ा काप कारखाना प्रारंभ हो गया, रामगढ़ ताल में श्री रवि किशन जी और सीताराम जायसवाल जी जैसे अभिनेताओं के लिए फिल्म करने के लिए एक बेहतरीन केंद्र भी विकसित हुआ, और साथ साथ रामगढ़ ताल पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित होते हुए गोरखपुर के तमाम धर्मस्थलों का सुंदरीकरण का कार्य हुआ। आज आप मानसरोवर में जाएंगे, सूरज कुंड में जाएंगे, महादेव झारखंडी में जाएंगे, आप अन्य धर्मस्थलों पर, गुरुद्वारों में, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में जाएंगे, वहां पर पर्यटन विकास के माध्यम से बेहतरीन विकास की योजनाओं को आप लोगों ने जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। इससे पहले इस नगर निगम में हम लोगों को विकास की योजनाओं के लिए और जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ता था, और आज मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम के, संभवतः नगर निगम का इस बोर्ड का ये अंतिम कार्यक्रम होगा, जिसमें शासन के दिए गए पैसे से नगर निगम में पार्षद वरीयता के कार्यों को, नगर निगम की परियोजनाओं को और विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का एक साथ यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम, शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। ये अपने आप में एक मानक बना है
ये गोरखपुर महानगर जो 5 साल पहले बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा था, न बिजली थी, न सफाई थी, न सड़कें थी, 1 घंटे बारिश पड़ती थी पूरा महानगर जल प्लावित हो जाता था। आज 12-12 घंटे तक मूसलाधार बारिश पड़ रही है और गोरखपुर में जब गुड़धोवा नाले का काम पूरा हो जाएगा तब एक बूंद पानी भी गोरखपुर महानगर के अंदर नहीं लगेगा। यह भी हम लोग उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरीन विकास की योजनाओं ने गोरखपुर को एक पहचान दी। आज गोरखपुर में जो भी आता है वो गोरखपुर की बदली हुई तस्वीर को देख करके भूत होता है। लेकिन जो कार्य हो रहे हैं इसमें केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, आम जनमानस की भी भागीदारी होनी चाहिए कि वह भी इन कार्यों को इस रूप में बनाए रखें, उसको नुकसान न पहुंचाए और कहीं भी कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण गोरखपुर महानगर की छवि धूमिल होती हो, विकास बाधित होता हो, आम जनमानस को परेशानी होती हो। आज आप देख रहे होंगे चौराहे चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है, कोई भी आता है उन चौराहों को देखता है अभिभूत होता है, लाइटिंग को देखता है अभिभूत होता है, नगर निगम के इस भव्य भवन को देखता है अभिभूत होता है, उसको लगता है ये नयापन है। और संभवतः इस बोर्ड के लिए सीताराम जायसवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम का यह बोर्ड अपने आप में सचमुच सौभाग्यशाली माने कि उन्होंने दशकों बाद गोरखपुर नगर निगम को इतना भव्य भवन दिया है, इतना भव्य भवन। मुझे लगता है रवि किशन जी इस बारे में जरूर कर रहे होंगे कि वे भी अगर यहां पर महापौर होते तो भवन संभवतः उनके समय बना होता तो वहां जब उनके ग्रैंडसन आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनको भी याद होगा कि देखिए हमारे ग्रैंडफादर के समय ये सब बना है, उनको भी देखने और सुनने को ही मिलता। लेकिन यह सौभाग्य लिखा हुआ था सीताराम जायसवाल जी और उनकी कंपनी के साथ, जो बोर्ड में उनके साथ पार्षद हैं, उनकी टीम के सदस्य हैं, उनके नाम से लिखा हुआ था और आज इसी का परिणाम है। भाइयों बहनों जितनी परियोजनाएं हैं, जो 80 नए वार्ड गोरखपुर महानगर में बन रहे हैं, इन सभी 80 वार्डों में सभी सड़कें लगभग इससे आच्छादित हो जाती हैं और सभी सड़कों को लेकर के जल निकासी की उचित व्यवस्था को लेकर के स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर के स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर के डोर टू डोर कलेक्शन हो इस कार्यक्रम को लेकर के एक विशिष्ट अभियान आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहा है और उसमें हर नगर निगम को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ना है। जन भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। नगर निगम और शासन धनराशि देकर के कूड़ा प्रबंधन का कार्य करेगा लेकिन नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने घर का कूड़ा नाली के अंदर या सड़क पर नहीं फेंकेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, हम जबरदस्ती नाली के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, हम सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे, स्ट्रीट लाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दिन में कहीं भी कोई लाइट अनावश्यक जलती हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए क्योंकि यह लॉस पहले तो नगर निगम का होगा, फिर राज्य का होगा और अंततः राष्ट्रीय क्षति होती है। हमें इससे बचाना होगा और इस दृष्टि आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। विकास की प्रक्रिया के साथ गोरखपुर तेजी के साथ आगे बढ़ा है, आप सबने विकास में रुचि ली, आज गोरखपुर की तस्वीर बदली है, आज गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा बदली है। मैं पिछले दिनों यहां के जू में गया था, जो चिड़ियाघर है, प्राणी उद्यान है, आपने देखा कितने अच्छे अच्छे जानवर वहां पर आए थे, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं, उनको देख करके जीव जगत की जीवंतता नजर आती है, किस रूप में उनके अंदर जीवंतता है और उसे बनाए रखने के लिए गोरखपुर के अंदर जू भी इस दौरान मिल गया,
गोरखपुर के पास अपना प्रेक्षागृह, मैं देखता था यहाँ प्रेक्षागृह के लिए 30 वर्षों से लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज गोरखपुर के पास अपना भव्य प्रेक्षागृह भी है। गोरखपुर के अंदर आज वह सब कुछ है जो किसी एक नगर को चाहिए, लेकिन भाइयों बहनों उसको संभाल के रखना और उसको बनाए रखना ये पूरे महानगर की जिम्मेदारी बनती है, और उस महानगर की उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक होकर के उसके साथ जुड़ना होगा। दीपावली का पर्व आने वाला है, भीड़ भाड़ होगी, उसी दौरान हम सबका दायित्व बनता, हम अपने अपने वार्डों में विशेष अभियान चलाएं स्वच्छता का, कहीं भी कूड़ा का तिनका ना दिखाई दे। अभी मंच पर महापौर जी बोल रहे थे कि लगता है आज रवि किशन मुझसे कुछ नाराज है। मैंने कहा आपसे नाराज नहीं है, आप उनकी प्रतिस्पर्धा में जा रहे होंगे, लेकिन यह तो उनको अच्छा लगेगा कि उनसे जवान व्यक्ति उनकी प्रतिस्पर्धा में आया है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि उनके घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा उस कूड़े के कारण वे लगता है आपसे नाराज होंगे। सफाई, हमें स्वच्छता पे ध्यान देना होगा और ध्यान रखना होगा कहीं भी कूड़ा ना रहे, गंदगी ना रहे, हर जगह अच्छी सजावट हो, छिड़काव हो। भारी बरसात के कारण, अतिवृष्टि के कारण आपने देखा होगा बहुत जगह डेंगू फैलना है, वायरल फीवर आएंगे, मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियां आएंगी। हम अगर हम स्वच्छता पे ध्यान देंगे, छिड़काव करेंगे, तो मच्छर बनने के पहले लार्वा स्थिति में ही वो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बीमारी नहीं फैलेगी, हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, त्योहार हर्षोल्लास के साथ उमंग के साथ हम मना पाएंगे। अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी तमाम प्रकार की बीमारियां फिर से आएंगी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने तो मस्तिष्क ज्वर की कहर को देखा है। स्वच्छता के कारण, शुद्ध पेयजल के कारण, बेहतरीन प्रबंधन के कारण, स्वास्थ्य की सुविधाओं को उन्नत करने के कारण आज मस्तिष्क ज्वर से होने वाली हजारों मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। आज हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है। मासूम बच्चे जो पहले असमय इस बीमारी की चपेट में आते थे, आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। यह एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम हुआ है, जो पुरुषार्थ हुआ है, उसे दैनिक जीवन में भी निरंतरता बनी रहेगी, बनी रहनी चाहिए, और जब हम इसको बनाए रखेंगे उसके परिणाम उसी रूप में हम सबके सामने आएंगे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन का देश को एक नया विजन दिया। स्मार्ट सिटी के अंदर प्रदेश के अंदर 10 सिटी विकसित हो रही है, अमृत योजना में 60 सिटी प्रदेश के अंदर विकसित हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो 7 अन्य नगर निगम है जिनमें गोरखपुर भी है, उनको हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया। आज वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था सीसीटीवी कैमरे के साथ ही संचालित हो जाती है। आज वहां पर अन्य अनेक ऐसे कार्य हो रहे हैं जो हमारी सिटी को स्मार्ट बनाती है, लेकिन स्मार्ट सिटी के साथ हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे जब गोरखपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, बड़ी डिमांड होती है कि ये बसेस पे प्राइस से भी चला दीजिए, भटड़ से भी चलाइए, चोरी चोरा से भी चलाइए, पिपीगंज से भी चलाइए, सैजनवा से भी चलाइए, बांसगांव और कोड़ीराम से भी चलाइए, हर एक जगह से मांग हो रही है कि इन बसेस को सिटी के जोड़ने के लिए इन सभी जगहों से जुड़वाइए। बसेस कितनी स्मूथली चलती है, कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, चुपचाप सड़क पे चलती, यानी आपकी बगल से इलेक्ट्रिक बस निकल जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर हॉर्न ड्राइवर हॉर्न ना मारे तो पता ही नहीं लगेगा, और इसलिए ये सुविधा आपको मिली है, इस सुविधा को सजोई रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए अपने शहर को स्वच्छता के पथ पर अग्रसर करना, शासन के द्वारा दिए गए व्यवस्था को सजो के रखना,
दीपावली के अवसर पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना और छिड़काव को पर्याप्त मात्रा में अपने अपने वार्डों में करवाने के साथ साथ जो नए क्षेत्र आए हैं उन नए क्षेत्रों के स्वागत के लिए भी विशेष प्रावधान करना। उनको लगना चाहिए कि नगर निगम क्षेत्र में आने पर हमें अब लाभ हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, कोई हमारा सुध लेने वाला है। और ये कार्य आज जिस तेजी के साथ प्रारंभ हुए हैं क्योंकि विकास के इन कार्यों के लिए शासन ने भी, नगर निगम ने भी, विकास प्राधिकरण ने भी पैसा दिया, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ के महापौर जी ने, सांसद जी ने, विधायकों ने, पार्षदों ने अपने स्तर पर प्रयास किया। हर एक वार्ड के लिए कुछ न कुछ आज कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इन सभी कार्यों का जिनका लोकार्पण हो रहा है इसके लिए मैं बधाई देता हूं। जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है इन सभी संस्थाओं से, नगर निगम से भी, विकास प्राधिकरण से, मैं कहूंगा इन सभी कार्यों को मानक की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। कार्य के मानक और गुणवत्ता पर किसी को भी उंगली उठाने का अवसर न मिले और सामान्य नागरिकों के आवागमन पर भी निर्माण कार्य के दौरान विपरीत असर न पड़े। हमारा प्रयास हो क्वालिटी के साथ जहां सीसी कार्य होने हैं रात्रि के समय अगर हम करेंगे तो उस समय सड़क आवागमन के लिए खाली रहेगी, फटाफट बनाते हुए एक टेम्पररी मार्ग भी उस दौरान लोगों को आने जाने के लिए दे देंगे जिससे किसी भी व्यवस्था, किसी को भी आने जाने में समस्या ना हो। अच्छी जल निकासी की व्यवस्था भी इन कार्यों के साथ दी जा रही है कि सड़क बनेगी तो जल निकासी की भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी कार्य गोरखपुर महानगर को और नगर निगम चुनाव के पहले पहले ये सभी कार्य प्रारंभ हो, अच्छे ढंग से प्रारंभ हो, इस विश्वास के साथ मैं गोरखपुर के सभी महानगर वासियों को इन विकास कार्यों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। पूरे महानगर वासियों को दीपावली की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। नगर निगम और विकास प्राधिकरण को अपने पूरी टीम के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए समयबद्ध ढंग से हम इन कार्यक्रमों को पूरा कर सकेंगे इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। मैं देने के लिए दीपावली के पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम की राम दरबार की यह नगर निगम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में यह स्नेहिल भेंट हम सादर। महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम।